नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माई पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज मैं आपको केले के पौधे उगाने के, केले ग्रो करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स बताने जा रहा हूं। ये एक मोनोकोटिलेनस प्लांट है और ये करीब 6 फुट से शुरू करके 30 फुट तक हाइट ये लंबा होता है। बहुत बड़ा पौधा होता है और ये मोस्टली जो ग्रो करते हैं फूड के लिए, फाइबर के लिए और फल के लिए ये ग्रो किए जाते हैं। और सारी दुनिया भर में ये ग्रो करते हैं और सारे पौधे का हर हिस्सा ये इंसान के कामों में आता है। ये फल के हिसाब से या इसके जो स्टेम है वो, ये पत्ते, सारे के चीज़ काम आते हैं। और ये फूड के हिसाब से चावल, गेहूँ और भुट्टा, ये जो मेज है भुट्टा, उसके बाद चौथे नंबर में फूड के हिसाब से ये दुनिया भर में इसका नाम आता है केले में। इसमें सारे तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं और ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। केले पक्के केले खाएंगे तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि कोई भी तरह की मिट्टी हो, जमीन हो, उस तरह में करीब करीब उसमें ग्रो कर जाते हैं ये केले और सारे के हिस्से काम में आते हैं। तो ज़रूर से आप ग्रो करिए ये जो है केले का पौधा, आप ज़रूर ग्रो कीजिए। अगर मैं ये जो स्टेम है मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टेम नहीं है, ये स्यूडो स्टेम है। ये करीब 20 पत्ते की जो बेस है, बेस का पोर्शन वो कॉन्ग्रीगेट करके, एग्रीगेट करके एक साथ होकर ये एक स्टेम की तरह के ग्रो करते हैं। ये फॉल स्टेम है। नीचे की तरफ जो है हिस्सा, नीचे की तरफ राइजोम का हिस्सा है, वही एक्चुअली कंद है, वही एक्चुअली स्टेम है। वहीं से जो पौधे है, पौधे ग्रो करते हैं वहीं से, स्टेम से। तो मैं आपको गड्ढे खोद के दिखाता हूँ। ये जो है हिस्सा, ये स्टेम का हिस्सा है, यहाँ से शकर ग्रो करते हैं। ये जो है ये शकर है, ये शकर ग्रो करते हैं और यहाँ से फिर ये पौधे निकल के आते हैं। यहाँ पर मेरे 3-4 ऐसे शकर आके ग्रो कर गए हैं और मैं 1 साल पहले यहाँ पर एक पौधा ग्रो कर गया था। अभी मेरे पास 4 पौधे हो गए हैं 1 साल में। और ये पीछे भी हिस्सा भी दिखाता हूँ, यहाँ से भी एक शकर आया। करीब 4 पौधे मेरे पास हैं अभी ये पौधे के। और ये जो केला है करीब मेरा एकदम मैच्योर हो गया है करीब करीब। और 2 महीने पहले मैं इसे वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था, वो 2 महीने पहले से मैं वीडियो दिखाता हूँ। वहाँ पर पहले एक फूल था केले का फूल। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि केला का फूल कैसे होता है और वो कैसे कैसे ग्रो किया है। ये 2 महीने पहले का सीन है। ये देखिए, बनाना के फिंगर कहते हैं इसको। ये यहाँ से ग्रो किए, ये जो केले का फूल है इसको हार्ट कहते हैं। और ये यहाँ से काफ़ी सारे केले के फूल ग्रो करते हैं, एक एक फूल के अंदर से एक एक केले का ग्रो करता है। ये बैक उठा के मैं दिखाता हूँ, ये जो केले का फूल है, यहाँ से एंड्रोसियम गायनोसियम है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद केले का फूल सूख के नीचे की तरफ से ये केले ग्रो करते हैं। और ये देखिए नज़दीक से कितना सुंदर दिखता है केले का फूल। और ये खाया भी जाता है, बहुत अच्छा डेलिकेसी इसका माना जाता है। केले का फूल की जो डिशेस होती है, बहुत अच्छी अच्छी तरह की सब्जी बनाई जाती है। और ये देखिए 7 दिन बाद का नज़ारा है। नीचे की तरफ से और भी काफ़ी सारे केले के जो है छोटे छोटे निकल आए हैं। और जो पुराने फूल थे उसमें थोड़ा टीप सूख गए हैं, सूखने के बाद थोड़ा, और फल भी थोड़ा मैच्योर कर गए, थोड़े बड़े हो गए हैं। और नीचे की तरफ से और भी केले के जो है फल निकल आ रहे हैं, और भी धीरे धीरे दिखता हूँ मैं। और ये 15 दिन के बाद का नज़ारा है। और ये बनाना का जो केले का जो फल है काफ़ी मैच्योर हो गए हैं और भी। और ये देखिए नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, केले का फूल और भी सूख गया है। और ये 30 दिन के बाद का नज़ारा है। और फल काफ़ी मैच्योर कर गए हैं और काफ़ी पाल्पी हो गया अंदर, और भी करीब करीब थोड़ा गोल शेप में आ गया है फल, और भी मैच्योर हो गए हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और 1 महीने में ये बिल्कुल मैच्योर हो जाएंगे, खाने के लायक हो जाएंगे। और इसको ग्रो होने देते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। ये 45 दिन के बाद का नज़ारा है और करीब गोल हो गए हैं हमारे फल, और उसमें भी गुद्दा भी पूरा आ गया है, उसमें जो करीब करीब फिल्ड अप हो गए हैं। और जो कॉर्नर का जो कॉर्नर पोर्शन वो भी थोड़ा थोड़ा राउंड हो गया है और ये धीरे धीरे रेडी हो रहा है। और मुझे लगता है और 10-15 दिन में हम तैयार हो जाएंगे। ये 55 दिन के बाद का नज़ारा है। और पूरा तैयार हो गया हमारा केला। अब हम काट के भी, इसका जो कंद है इसको काट के भी हम रख सकते हैं घर के अंदर, ताकि वो फल पके और आप खा सकते हैं। ये फल आप दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा जी कैसे कैसे ये पौधा, ये फल कैसे ग्रो किए। 2 महीने पहले से ये सीन है। और ये तो मैंने 1 साल पहले ग्रो किया था, 1 साल में ये फल आया है। और एक बार ही फल देता है एक पौधा, दूसरी बार नहीं देता है। और ये पौधे ग्रो हो रहे हैं। इसको हम जब फल लेने के बाद इसको काट देंगे मेन पौधे को, उसके बाद जो नीचे से जो पौधा आया उससे मैं ग्रो करूँगा। और ये जो फल है, फूल है, इसका बहुत सारा कहा जाता है।
और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका इनर पार्ट जो है, स्टेम का जो पार्ट है, वो भी खाया जाता है साउथ एशियन कंट्रीज में, काफ़ी सारे देश में, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बर्मा, श्रीलंका, इसमें काफ़ी खाया जाता है ये स्टेम। और उसके बाद में दिखाता हूँ इसका पत्ता भी खाने में, प्लेट के हिसाब से तौर पर इसके हमारे विशेषकर पूजा पार्वण में हमारे पत्ते के ऊपर खाने का रिवाज है, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे बाजार में बिकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ बाजार में कैसे बिकते हैं और फिर आते हैं वापस। ये जो बनाना लीव्स है ये बाजार में बिकते हैं पत्ते, और पूजा के टाइम लोग जो प्रसाद तक खाते हैं, प्रसाद खाने में ये इसका यूज करते हैं। और ये बनाना लीफ कैसे बिकते हैं, पैकेट में बिकते हैं ये सारे बॉन्च होके, और ये देखता हूँ मैं। और लोग मेटल की या सिरामिक की थाली की वजह से पूजा में ये बनाने के जो पत्ते होते हैं उसमें खाना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मैंने भी काफ़ी बार खाया है और बहुत अच्छा लगता है पत्ते में प्रसाद को खाना। और ये जो बनाना की स्टेम है ये भी अच्छी अच्छी डिशेस बनती है, जिसको बनाना आता है बहुत अच्छे डिनेस बनता है। ये रात की जो बाजार है उसमें मैंने खींचा, ये जो बनाने की जो स्टेम है इसको छील के जो फ्लफी पोर्शन है उसको काट के हटा के बाद दे देता हूँ, बीच में देखिए डार्क पोर्शन जो है वो खाया जाता है, उसको छोटे छोटे पीस में काट के फिर वो सब्जी बनाई जाती है, बहुत अच्छी डेलिकेसी मानी जाती है गला। ये जो बनाने की स्टेम है केले की, पौधे की, जो पेड़ की जो स्टेम है बहुत अच्छी, विशेष करके जो दुर्गा पूजा के टाइम है, दुर्गा पूजा के टाइम में ये बिकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो है दिखाता हूँ मैं, ये अब ये बिकता है करीब हमारे बाजार में, एक पीस का कीमत करीब 10 रुपया है इसका। तो ये जो है दिखा दिया मैंने, और अब ये दिखाता हूँ ये जो बेल या हार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं इसको, बंगला में कॉलर मोचा कहते हैं इसका। और ये केले का जो फूल है यहाँ पर से लगा हुआ था, मैंने इसको काटा है इसको, और दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे इसको इसमें से फूल निकाले जाते हैं। फूल से बहुत अच्छी डेलिकेसी बनती है, डिशेस बनती है, ये जो फूल निकाले जाते हैं इसमें से, और इसके बीच का जो एंड्रोसियम गायनोसियम जो हिस्सा है, सो सख्त पोर्सन, उसको हटा देते हैं और उसके बाद वो फूल को काट के बहुत अच्छी डेलिकेसीज बनती है। चलिए दिखाता हूँ मैं, ये जो फूल है हमारे से बहुत अच्छी डिशेज बनती है। तो इंडिया, बांग्लादेश में, असम और इस इलाके में काफ़ी सारी ये फूल की बहुत सारी डिशेज बनती है, बहुत पॉपुलर डिशेज है केले का मोचे का, और ये बहुत अच्छा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आपको इम्पोर्टेंस माननी पड़ी है। और आपको टिप नंबर 1 इसको ग्रो करने के लिए, कि आपको जो भी पुराने पत्ते हैं, मैंने पहले ही छाट दिए थे, पुराने पत्ते कुछ भी नहीं रहने चाहिए, सारे जो सूख जा रहे हैं पत्ते उसको हटा देते हैं ब्राउन कलर के, और पत्ते के जो सामने का हिस्सा जहाँ पर ब्राउन हो जा रहा है, जहाँ पर इन्फेक्टेड हो गया है बैक्टीरिया या वायरस है ऐसे कुछ, तो उसको काट के हटा दें, नहीं तो क्या करें पत्ते खराब पड़ेंगे और आपके पौधे के भी थोड़ा नुकसान पहुँचाएंगे। तो जितने भी ब्राउनिश पार्ट है ये पत्ते खराब हो गए हैं, उस पत्ते को काट के बाद दें ताकि आपके पौधे स्वस्थ रहें। तो ये है पहला टिप कि कोई भी पुराना पत्ता आप पौधे के ऊपर रहने नहीं दें। आप दिखाता हूँ, हमेशा साफ रखें पौधे को ताकि आपके जो फल है वो स्वस्थ आए, बहुत अच्छे तरह का आए। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ टिप नंबर 2, इसको कैसे खाद दिया जाए। इसको बेसिकली हम देते हैं कंपोस्ट देते हैं, और 6 महीने में एक बार 1-2 किलो आप इसमें कंपोस्ट दे दें, अच्छी तरह से मिला लें, और थोड़ा सा 100 ग्राम करीब NPK आप दे देंगे, तो उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ, दूर की तरफ से दें और उसको गुड़ाई करके दे दें इसको, तो ये पौधा बहुत अच्छा तरह से ग्रो करेगा, बहुत अच्छा तरह से फल देगा। ये है दूसरा पौधा, और इसको करीब 60 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में ये ग्रो करना अच्छा रहता है। तो टेम्परेट एरिया जो थोड़ा सा गर्म का इलाका है उसमें ये ग्रो करेंगे तो ये अच्छा ग्रो करते हैं केला। और इसको हर 2-4 दिन बाद पानी दें, अगर पानी की कमी है, अगर पानी की कमी नहीं है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ग्रो कर जाता है, इसका ध्यान रखें आप। और लेकिन सॉइल जो होगा वो हमेशा वेल ड्रेंड होना चाहिए, और इसका जो pH है सॉइल का ये 5.5 से 6.5 होना चाहिए, यानी कि स्लाइटली एसिडिक सॉइल ये पसंद करता है, तो उस तरह से जो पौधे हैं, उस तरह से मिट्टी है उसमें ग्रो करेंगे तो अच्छा रहेगा ये। और अगर आपकी मिट्टी एसिडिक नहीं है तो उसमें थोड़ा कंपोस्ट डाल देंगे तो वो एसिडिक बन जाएगी। तो अब मैं आपको 4 नंबर टेस्ट बताते जाता हूँ कि आपका प्लांट के बेस में जो निचला हिस्सा है उसमें वाटर लेवलिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी बिल्कुल जमा नहीं होना चाहिए, पानी जमेगा तो इसमें पौधे के जो जड़ें हैं वो गल जाएगी और पौधे आपका मर जाएंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि उसका बेस में, पौधे की बेस में एकदम पानी नहीं जमना चाहिए, तो हमेशा। और 5 नंबर टिप्स है, आप एक साथ 3 पौधा रख सकते हैं, दादाजी, पिताजी और बेटा, ये 3 पौधा आप रख सकते हैं इसमें,
और चौथा पौधा अगर है इसमें तो इसको काट के राइजोम की पोर्शन से काट के हटा के इसको दूसरी कहीं जगह लगा ले, इसको काट के, काटने के बाद दूसरी कहीं इसको रिग्रो कर लीजिए तो वहाँ पर भी आपका ये पौधा ग्रो हो जाएगा। लेकिन आप तीन से ज़्यादा पौधा रखेंगे तो वहाँ पर आपके जो ग्रोथ है कम हो जाएगी और फलों की जो ये अमाउंट है साइज है वो भी छोटा हो जाएंगे। तो तीन पौधे आप रखिए एक जगह, एक क्लस्टर में तीन पौधा रखिए और जो जो एक्स्ट्रा होते हैं सारे बाहरों पर ग्रो करते रहें। तो ये रहा आपका पाँच इंपॉर्टेंट टिप्स। तो उम्मीद है ये पांचों टिप्स आप ख्याल रखेंगे अगली बार जब केले का पौधा उगाए। बहुत लोग इसका पूजा भी करते हैं इसलिए आप इसको बड़े अगर 12 से 18 इंच का कंटेनर है उसमें भी केले का पौधा आप ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी मैंने फल आते हुए देखे हैं, काफ़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो मेरा तैयार हो गया, करीब 15 दिन बाद मैं इसका जो है स्टेम काट लूँगा यहाँ आपसे और ये रूम के अंदर रख दूँगा तो पूरे फल पक जाएंगे और बहुत मीठे फल होंगे। उम्मीद है कि ये फल बहुत अच्छे होंगे खाने के लिए। तो इंस्टेंट एनर्जी के सोर्स के रूप में आप बनाना लगाइए, केले लगाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए और अगर चाहते हैं यार दोस्तों में शेयर करना तो शेयर करना ना भूलें। और आप इस चैनल में अगर नए हैं गार्डनिंग स्पेशल हिंदी वर्सन में तो आप ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे आगे चल के बहुत सारे वीडियो आपको बहुत बारे में बहुत फलों के और फूलों के बारे में बोले जाना लूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल में आने के लिए।